बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं माश की दाल ढाबा स्टाइल में, ठीक है? तो चलें शुरू करते हैं। आपने दाल को जो है वो रात को भिगो के रख देना है, तो इसके छिलके जो हैं वो अलग हो जाएंगे। फिर आपने इसको धोकर अच्छी तरह से छिलकों को अलग कर लेना है। 2 कप दाल मैंने ली है और उसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? यहाँ पर 2 चम्मच के करीब आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेना है, ठीक है? और फिर आपने इसके अंदर डाल देना है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डालने के बाद जी आपने इसको तेज़ आंच पर, मीडियम पे आप इसको पका लें, और आप 3-4 मिनट इसको पकाना है ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाए। उसके बाद जी इसके अंदर मैंने नमक मिर्ची और हल्दी डाल दी थी। सिंपल मसाला है, आपने 2 टेस्ट इसके अंदर डालना है। फिर मैंने इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन डाली थी, कलौंजी डाली थी, अजवाइन नहीं थी, कलौंजी डाली थी आपने, वो भी लेकर 1/2 टीस्पून आपने इसके अंदर डालना है। उसको फिर आपने 1-2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाना है। अच्छा जी, इसके बाद एक जो है मीडियम टमाटर आप चॉप करके या स्लाइस करके या पेस्ट बनाकर आप इसके अंदर डाल दें और 1-2 मिनट के लिए आप इसको अच्छी तरह से पका लें इस तरह से, ठीक है? उसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है, ठीक है? मैंने 1 गिलास पानी दिया था 2 कप दाल के हिसाब से। 1 गिलास पानी लेना है आपने, इसके अंदर डाल देना है, और उसके बाद हम इसके अंदर दाल ऐड कर देंगे अपनी, ठीक है? ये देखिए, जैसे इसको तेज़ उबाला आना शुरू हो जाएगा तो आपने इसको ढक कर रख देना है ताकि ये गल जाए, ठीक है? दाल को आपने बीच बीच में ना थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहना है कि ये टेंडर हो गई है या गल गई है या नहीं, ठीक है? इस तरह से ये देखिए, आप इसका एक दाना लेंगे और उसको आप मैश करके देखेंगे कि आपके हिसाब से जितना आप गलाना चाहते हैं उतना गल गया या नहीं। तो इस तरह से आपने इसको गला लेना है। उसके बाद जी जब ये गल जाएगी तो आपने इसका एक्सेस वाटर या एक्स्ट्रा वाटर जो इसके अंदर मौजूद है उसको आपने खुश कर लेना है। इसको आपने गरम मसाले और धनिए के साथ कर लेना है गार्निश। इट्स रेडी टू ईट। एंजॉय विद योर फैमिली। कीप वर्किंग हार्ड। लव योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।